हाउ डू रीसेट डाटा सेविंग्स एंड इट्स सेटिंग्स इन ओपेरा मिनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टेकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने ओपेरा मिनी पर या में डाटा सेविंग मोड का जो ऑप्शन है उसमें आप कैसे रीसेट कर सकते हैं अपना डाटा सेविंग मोड को, और दोस्तों वहाँ में आप किस तरह का या में सेटिंग कर सकते हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को या में लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो और अब तक या अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए। तो यहाँ में दोस्तों आपको सबसे पहले अपना ओपेरा मिनी को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप यहाँ में क्लिक कर दीजिएगा, और इसके बाद आपको यहाँ में एक गियर साइन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ में मिलेगा डाटा सेविंग्स, ठीक है। तो अभी इसको ओपन कर देना है। तो इसके ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ में ऊपर डाटा सेविंग्स जो है उसके आप राइट हैंड साइड में टॉप में देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ में इसको डिलीट करने के लिए आपको वहाँ में क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों आपको रिसेट कर देना है। तो अभी रिसेट कर लीजिए, और ये आपका डाटा सेविंग जो है वो रिसेट हो चुका है, ठीक है। और इसका सेटिंग आप यहाँ में नीचे में देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली डायनेमिकली एडजस्ट सेटिंग फॉर ऑप्शनल ऑप्टिमल यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ से सेटिंग चूज़ कर लीजिएगा, और उसके बाद आप यहाँ में एक्सट्रीम हाई ऑफ इसका ऑप्शन जो है यहाँ में चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो आप यहाँ में ऑटोमेटिक रख लीजिएगा, और उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ में डाटा सेविंग इस हिसाब से यहाँ में होगा, ठीक है। और आप एक्सट्रीम में रख दीजिएगा तो आपका यहाँ में डाटा जो है यहाँ में बहुत सारा चला जाएगा। तो आप यहाँ में ऑटोमेटिक में रख सकते हैं। तो इसके बाद हम इसे ऑफ कर देते, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ में देख सकते हैं इमेज क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ में इमेज क्वालिटी की वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, और आप यहाँ से लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और हाई क्वालिटी जो है वो यहाँ से दोस्तों आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। और आप नीचे में देख सकते हैं एड ब्लॉकिंग, तो आप यहाँ से ब्लॉकिंग अपने एड्स जो है यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ब्लॉक भी कर सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपने डाटा को रिसेट कर डाटा सेविंग जो है उसको रिसेट कर सकते हैं, और इसका सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करते आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।